व्यक्ति जब बीमार होता है शरीर में किसी न्यूट्रिशन की कमी आने लगती है, जैसे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन। आप देखते हैं कि अगर कोई भी जिम में जाता है तो प्रोटीन के लिए वो अलग से प्रोटीन शेक लेते हैं, या फिर प्रोटीन के ऐसे पाउडर होते हैं जो कि वो यूज करते हैं, या कुछ मेडिसिन का प्रयोग करते हैं जो बाहरी तौर से मतलब कि प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ में ऐसी सब्जी एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि प्रोटीन का खजाना है। अगर 3 महीने तक लगातार इसको आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं आती। प्रोटीन हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है तो कई अनगिनत रोग हमारे शरीर में आने लगते हैं। तो प्रोटीन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसे हम बाहरी तौर पर ना लेकर के हमारे नेचर से जुड़ करके और उसे हम अगर सेवन करते हैं, नेचर के द्वारा जो भी हमें प्राप्त होती है चीजें, अगर हम उनका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन सही मात्रा में पहुंचता है और इस न्यूट्रिशन की कमी भी कभी नहीं आती। वैसे अगर हमारे शरीर के अंदर किसी भी न्यूट्रिशन की कमी आने लगती है तो शरीर में बीमारियां आती है, तीनों दोष असंतुलित होते हैं, पाचन बिगड़ने लगता है। लेकिन प्रोटीन के लिए सेहत का खजाना है ये, इसीलिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जिसकी बात आज मैं कर रही हूँ वह राजस्थान की एक प्रसिद्ध सब्जी है और जिसको कि काचरी कचरी के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे सी आती है और इसको मतलब काटने के बाद टेस्ट करने के बाद कुछ इसके अंदर से कड़वापन रहता है इसके अंदर, या फिर कुछ खट्टी रहती है, लेकिन इसकी सब्जी काफी ज्यादा टेस्टी होती है। इससे जो कड़वी निकलती है उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन जो खट्टी होती है थोड़ी सी मिठास वाली होती है उसका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, यानी इसकी छोटा तरबूज के नाम से भी जानी जाती है। तो आप अगर इस सब्जी को नहीं जानते हैं और कहीं सब्जी मंडी में जाते हैं और आपको छोटे छोटे से तरबूज की तरह दिखने वाली सब्जी अगर दिख जाए तो इसका प्रयोग आप कर लीजिए, यानी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, प्रोटीन से भरी हुई है और भी इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं कि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ये बिल्कुल ठीक करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी आने लगती है तो ऐसे कौन से सिम्टम है जिसको कि आप देख करके पता कर सकते हैं। तो जैसे ही प्रोटीन की कमी शरीर के अंदर आने लगती है, आपके बाल होते हैं वो खराब होने लगते हैं, आपके नाखून होते हैं वो खराब होने लगते हैं, जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं, उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है, उनके अंदर टेढ़ापन आने लगता है, या फिर नाखूनों के आसपास बहुत ज्यादा गंदगी भरी होने लगती है और वहां का शेप भी बिगड़ने लगता है। इसी तरह से अगर प्रोटीन की कमी आती है तो शरीर में टायर्डनेस यानी कि थकान बहुत ज्यादा लगने लगती है, आपको बार बार चक्कर आते हैं, थकान लगती है, दिन भर आपने चाहे कुछ भी काम नहीं किया होता है फिर भी ऐसे लगते हैं कि जैसे कि एनर्जी नहीं है, आपका इम्यूनिटी एकदम से कमजोर होने लगता है, हड्डियां जो होती है वह काफी ज्यादा कमजोर होने लगती है जिसकी वजह से आपको मसल पेन बहुत ज्यादा रहते हैं, या आपको लगता है कि आपको रात को बिस्तर में जाने के बाद में पैर की पिंडलियों में बहुत तेज दर्द होता है, यानी कि प्रोटीन की कमी आ रही होती है, यानी आपके बोन्स जो होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं, हाथ जो होते हैं वो थोड़े थोड़े से टुकड़े टुकड़ों में गिरने लगते हैं, आपके हाथों की उंगलियों में दर्द होने लगता है या फिर आपके पैरों की उंगलियों में दर्द होने लगता है। तो इस तरह से प्रोटीन की कमी आएगी तो ये सिम्टम भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मूड स्विंग होने लगते हैं, जैसे कि महिलाओं के अंदर पीरियड्स के दौरान तो मूड स्विंग होते ही है, लेकिन आपके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी आ रही होती है तो भी आपके मूड स्विंग होने लगते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन लगता है, तो कभी आपका मन खुश रहता है, कभी आपको लगता है कि अकेले बैठे रहे, या फिर कभी ऐसा लगता है कि सबके साथ घूमे फिरे। तो इस तरह से अलग अलग से अगर आपका मूड हो रहा है तो ये प्रोटीन की कमी के कारण भी हो सकता है। नींद में आपकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बिस्तर में जाने के बाद नींद नहीं आए, या फिर आप करवटे बदलते रहे, नींद की समस्या इसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर जैसे ही प्रोटीन की कमी आएगी नींद की समस्या होने लगेगी। अगर आपको नींद की कमी है तो इस पर मेरा एक बहुत ही अच्छी रेमेडी वाला वीडियो है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियां काफी कमजोर हो चुकी है, आपको वात संबंधित रोग ज्यादा होते हैं, तो इस पर भी मेरा काफी अच्छा वीडियो है, आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति के थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर भी मेरे भरभर की वीडियो है, आप एक बार जाकर जरूर चेक करें। बारिश के दौरान में गले के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर मेरे 100% वाले इफेक्टिव रेमेडी है, आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। तो शरीर में प्रोटीन की कमी आते ही आपको बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ वो एक सब्जी है जो सिर्फ 3 महीने ही बाजार के अंदर आपको देखने को मिलती है। वैसे तो आप देखेंगे तो ये 12 महीने मिल जाती है, लेकिन जो नेचुरली अगर आप किसी सब्जी का या किसी मौसमी फल या मौसमी सब्जी का सेवन करते हैं तो ज्यादा फायदा हमारे शरीर को मिलता है। ऐसे तो सारे फ्रूट सारी सब्जियां आजकल 12 ही महीने आपको बाजार में मिल जाते हैं, क्योंकि उनका स्टोरेज किया जाता है और फिर उनको रख करके उनको पका करके और बाजार में बेचा जाता है, तो वो हानिकारक होते हैं। लेकिन अगर मौसम के अकॉर्डिंग कोई सी सब्जी आती है, कोई सा फल आता है, उसका सेवन अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर में काफी सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। तो इस कचरी की सब्जी काचरी की सब्जी को आप ला सकते हैं, परवल की सब्जी की तरह छोटे छोटे से तरबूज की तरह ही दिखाई देती है। आप इसको लेकर आइए और अच्छे से लहसुन प्याज हरी मिर्च डाल करके इसकी अलग अलग तरह से सब्जी बना करके आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यानी इसको अगर आपने खा लिया तो आप देखेंगे कि आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो रही। जैसे ये तीनों दोषों पर काम करता है, ये काचरी की सब्जी जब खाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी इससे बूस्ट होता है, ये हमारी पूरी बॉडी को डेटॉक्स करता है, शरीर में नींद की कमी आ रही होती है, थकान बहुत ज्यादा लगती है तो इस सब्जी को खाने से थकावट नहीं आती है, नींद की कमी पूरी होती है, हमारी हड्डियों में काफी तेज दर्द महसूस होता है तो वह दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी तीनों दोषों पर काम करती है, तो वात भी उसमें आ गया, यानी आपके शरीर में काफी तेज दर्द होते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, आपको मसल्स पेन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस सब्जी को खाने से मसल्स पेन भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इस सब्जी को आप ला करके इसे अलग अलग तरह से बना करके भी खा सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर पोटेशियम होता है तो वह क्या करता है, हमारी बॉडी के मसल्स को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, इसीलिए हमें यहाँ पर इस सब्जी का सेवन करना चाहिए। फाइबर ज्यादा होने के कारण ये डाइजेशन इश्यू जितने भी होते हैं उसको बिल्कुल सही करता है। जैसे अपच हो रही है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, अफारा आ रहा है, पेट में दर्द है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है पेट संबंधी, तो सारे विकारों को ठीक करता है। यानी हमारे गट हेल्थ के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है काचरी की सब्जी खाना। इसमें इतने सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए एनर्जी को बूस्ट करने में मदद करते हैं, तो इसीलिए इसका सेवन करना चाहिए। तो इसमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है, मिनरल्स है, विटामिन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी प्रोटीन का ही एक खजाना है। सबसे ज्यादा मात्रा में इससे हमें प्रोटीन मिल जाता है, जैसे कि आप दूध लेते हैं या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे तो आपको प्रोटीन मिलता ही है, लेकिन इस काचरी की सब्जी को खाने से भी प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में अच्छी हो जाती है, तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो दिखने में बिल्कुल छोटी छोटी सी दिखती है, स्वाद में कड़वी भी हो सकती है, खट्टी मीठी भी रहती है, तो इस सब्जी को आप एक बार खाकर देखिए, ये काफी ज्यादा हेल्दी होती है और राजस्थान की प्रसिद्ध सब्जी होने के साथ में ही ये इसकी रेसिपी काफी ज्यादा यूजफुल होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो वह भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। इसे अलग अलग तरीके से आप बना करके खा सकते हैं। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे तला हुआ नहीं खाना चाहिए, बारिश के दौरान कफ दोष सबसे ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए हमें यहाँ पर खटाई का प्रयोग या अचार का प्रयोग या फिर तला हुआ ज्यादा खाते हैं, चिकनी चीजें ज्यादा खाते हैं तो कफ दोष असंतुलित होने लगता है, वात इसीलिए बिगड़ने लगता है क्योंकि शरीर के अंदर बारिश के दौरान वात असंतुलित हो जाता है तो दर्द अपने आप ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और अगर आपको डायबिटीज है या कोई और संक्रमण शरीर के अंदर है तो और वात समस्या बढ़ जाती है। इसी तरह से पित्त की समस्याएं भी ज्यादा बढ़ने लगती है, इसीलिए तला भुना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जलन ना हो, एसिडिटी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बारिश के दौरान में पानी हमेशा बॉइल करके पीजिए जिससे कि शरीर में बीमारियां आए ही नहीं, आपका इम्यूनिटी स्ट्रोंग रहे। इसी के साथ में अलग अलग तरह के पानी बनाकर आपको लेने चाहिए जिससे कि आपके सारे दोष संतुलित रहे, आपके शरीर का डाइजेशन सही ढंग से काम करे और आपका गट अगर सही काम करेगा तो शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। तो इस सब्जी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।